करने वाले हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसको मैंने छोड़ दिया था। तो आज इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी कराने वाला हूँ, और ये हर दिन मैं रिपीट करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दूंगा ताकि आप उसको खुद से ट्राई कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, माय नेम इज विकास शर्मा एंड दिस इज माय चैनल बाई एडू लर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.2। अ फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आज इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए ना, मैं पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट दे देता हूं, जहां पर हम लोगों के पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा कुछ एंगल्स का, जिन्हें आपको मेमोराइज करना होगा, और बिना मेमोराइज के देखो कुछ होगा ही नहीं। तो आइए देख लेते हैं पहले एक चार्ट, और ये वाले चार्ट को ना मैं पूरे लेक्चर में यूज करने वाला हूं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं लिखता हूं यहां पर साइन, देन कॉस, देन टैन, देन कॉसेक, देन सेक एंड देन कॉट। ठीक है, अब सबका मुझे 0 डिग्री याद करना होगा, सबका मुझे 30 डिग्री याद करना होगा, सबका मुझे 45 डिग्री भी याद करना होगा, सबका मुझे 60 डिग्री भी याद करना होगा, और सबका मुझे 90 डिग्री भी याद करना होगा। आइए पहले हम लोग इसका वैल्यू देख लेते हैं ना। तो साइन जो है 0 से शुरू होता है, 1 में खत्म होता है। कॉस जो है 1 से शुरू होता है, 0 में खत्म होता है। एक चीज याद रखिए, टैन का ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जाम में ऐसे जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वहां पर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। ये दोनों वैल्यू जो होंगे हमारे 1/√2 होने वाले हैं। ये वैल्यू टैन 45 हमारा 1 होने वाला है, टैन 30 हमारा 1/√3 होने वाला है, टैन 60 हमारा √3 होने वाला है। अगेन साइन 30 हम लोग लिखेंगे 1/2, कॉस 30 हम लोग लिखेंगे √3/2, हम लोग साइन 60 में लिखेंगे √3/2 और कॉस 60 में लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब यहां पर क्या करो ना, बस कॉसेक है। ठीक है, तो कॉसेक यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, मैं कुछ वैल्यूज को हटा दे रहा ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना करे, या तो आप इसको लिख ही लो ना, ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, ये वाला कॉलम जो है मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि अभी आपको जैसे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। देखो कोशिश ये होना चाहिए ना हमारा कि ये दूसरा सेट याद ना करना पड़े, इसी से रिलेट कर ले, हम लोग अपने माइंड को इतना अच्छे से ट्रेन कर ले बेसिकली, कि हम लोगों को ये माइंड में ही हम लोग अपना एक एनालिसिस कर लेंगे और इसका वैल्यू इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जैसे जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको इन सब के भी बारे में बताता जाऊंगा। सो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, इवेल्युएट करना हमें। क्वेश्चन 1 इज इवेल्युएट, यहां पे हमें साइन 60 कॉस 30, फर्स्ट वन इज साइन 60 कॉस 30, देन वी हैव साइन 30 एंड कॉस 60 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। देखो यहां पे हमें करना है इवेल्युएट, इट मींस व्हाट, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहां से वैल्यू उठा के, इट मींस ये हमारे माइंड में आना चाहिए। देखो इस पूरे हमने शायद मैंने आपको बोला नहीं, आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा ना, दैट विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज नथिंग कैन बी सॉल्व्ड इन दिस चैप्टर, लाइक दिस चैप्टर इज ओनली ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। इफ यू हैव एवरी फॉर्मूला इन योर माइंड देन देयर लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड बाय यू, क्योंकि फॉर्मूला ही सब कुछ है इस चैप्टर के लिए हमारे पास। तो देखते हैं साइन 60 वहां से उठाते हैं, साइन 60 इज व्हाट √3/2, कॉस 30 उठाते हैं, कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30, साइन 30 इज 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कॉस 60 कॉस 60 कॉस 60, बोलो कुछ तो बोलो,
अच्छा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना ये लेक्चर, तो आप लोग ऐसे बोलोगे, देखो cos 60 वन बाई टू, साइन 30 वन बाई टू, कॉस 30 रूट 3 बाई टू एंड एवरीथिंग। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 बाई 4, ये हो जाएगा 1 बाई 4, एलसीएम ले लेना है 3 प्लस 1 बाई 4, इट मीन्स 4 बाई 4, इट मीन्स 1 इज आर आंसर। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, हमें फाइंड करना है 2 tan square 45, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60 माइनस sin square 60। आइए देखते हैं, अगर मैंने यहां पर कुछ एनालिसिस देख लेते हैं पहले, जैसे हमारे हमें x square लिखना रहता है डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं ना, अगर हमें tan square लिखना रहता है ना तो tan 45 स्क्वायर यहां ना लग के देखो यहां लगता है, तो tan स्क्वायर 45 का मतलब हो जाएगा हमारा tan 45 इंटू tan 45, तो देखो tan 45 मेरा 1 होता है, इंटू tan 45 1 होगा, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। इसी वे को हम लोग यहां पर अपने सॉल्यूशन में भी यूज करने वाले हैं, तो 2 इंटू tan 45 tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है हमारा 1, इसका होल स्क्वायर लगा दिया प्लस cos 30, देखो cos 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2, उसका यहां पर होल स्क्वायर लगा दिया, साइन 60 साइन 60 भी होता है हमारा रूट 3 बाई 2, उसका भी होल स्क्वायर लगा दिया, और इसको एक स्टेप बस हमने सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 2 टू 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 बाई 2 टू 4, ये दोनों चला गया, वी हैव आवर आंसर 2, जिसमें इस क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, इसमें बस थोड़ा सा इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना, cos 45 cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 30, देखो आ गया ये ना sec 30 देन प्लस cos 30 प्लस cos 30, क्वेश्चन देख लो cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 एंड cos 30। आइए देखते हैं, अभी अब आप बोलेंगे दैट सर हमने ये गैप तो छोड़ दिया, अरे अब क्या होगा, चलो आते हैं देखते हैं एक छोटा सा एनालिसिस और, मिशन टू मार्स कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग कुछ फॉर्मूला और देख ले रहे हैं, मुझे साइन 30 तो किसी ने बता रखा है सर कि कितना होता है 1/2, लेकिन मुझे अभी सर जी ने कॉसेक 30 बिल्कुल नहीं सिखाया, लेकिन मुझे यह पता है कॉसेक इज समथिंग दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सॉरी साइन, अगेन कॉसेक इज समथिंग दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, अगर मुझे साइन 30 वन बाई टू पता है, कोई मुझे कॉसेक 30 बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना, कॉसेक 30 वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 मतलब 2। इसी तरह से हमें यहां पे चाहिए सेक 30, तो सेक 30 के लिए हमारे पास कॉस 30 तो है ना, कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2, अब हमारे पास हमें चाहिए sec 30, हमें ये पता है sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो sec 30 वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, तो अगर cos 30 रूट 3 बाई 2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3। आइए इसको इसी में हम लोग यहां पर उठा के सॉल्व करते हैं ना, चलो वैल्यू लगा लो cos 45, cos 45 कौन बता रहा है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30, अभी हमने फाइंड किया 2 बाई रूट 3, कॉसेक 30 अभी हमने फाइंड कर लिया 2/1, एक स्टेप इसको और सॉल्व कर देना ना, 1/√2 को 1/√2 एज इट इज लिख देना है, और यहां पर एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा हमारा रूट 3, और क्या बचेगा 2 प्लस 2 रूट 3, देखो इसको एक स्टेप अब और लिख देते हैं और इसको आर कर देते हैं आगे सॉल्व, ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई इतना लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए एक स्टेप में और लिखना चाहूंगा, ये हमारा हो जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई इसका ब्रैकेट अगर आप चाहो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करना होगा रेशनलाइज, चलो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं,
तो रूट थ्री को एज इट इज आप लिख दीजिए रूट थ्री, और इसको क्या करो ना, इसको आप टू रूट सिक्स को पहले लिख लो ताकि माइनस का टेंशन ना रहे यहां पर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टू रूट सिक्स प्लस टू रूट टू, इसको रेशनलाइज कर दो, तो सेम रेशनलाइज क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा होगा, इसको ऊपर लिख दो साइन चेंज करके टू रूट सिक्स माइनस टू रूट टू, और सेम एक बार आप नीचे भी लिख दो टू रूट सिक्स माइनस टू रूट टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फिर से, आई ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर वाले में से देखो टू कॉमन आ रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूं टू रूट थ्री, और हमारा बचा क्या फिर रूट सिक्स माइनस रूट टू, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टू रूट टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा, चाहो तो आप यहां पर ये रूट थ्री को अंदर भी भेज सकते हो ना, तो रूट थ्री को चलो अंदर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा टू इंटू ब्रैकेट में रूट एटीन माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाई टू टू जो फोर, फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर, माइनस टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, ठीक है। कितना हो जाएगा ये रूट एटीन को क्या लिख सकते हो, रूट एटीन को आप थ्री रूट टू लिख सकते हो, तो मैं लिख रहा हूं टू इंटू थ्री रूट टू, और रूट सिक्स को कुछ नहीं, उसको एज इट इज लिख दो, और नीचे कितना आ जाएगा फोर फोर सिक्सटीन, ये हो जाएगा टू टाइम्स एट, तो दिस वुड बी आर आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फाइव। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वो मेरे पास रहे बिकॉज अभी आपको उसका यूज करना है। तो थ्री टू वन स्टार्ट बेटा। अब वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के, किसी का टिकटॉक में अकाउंट होगा तो डिलीट जब टिकटॉक करा दिया होगा तो बड़ा दुख लगा होगा ना, था तुम लोगों का टिकटॉक, बाल बाल तो रंगवा के नहीं रखे थे ना, वो तोते जैसा रंगवा लेते ना ग्रीन कलर वाले, नहीं करना यार ये सब, वरना वो गाना बजने लगेगा मैनू मिठा बहुत पसंद है, लोग बजाने लगते हैं ना मैनू मिठा बहुत पसंद है, तेरे भी अचानक कुछ किया तो पता चला किसी मोहल्ले से जा रहे हो तो उधर से किसी के घर में मैनू मिठा बहुत पसंद है बजने लगा डांस करने लगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देख लेते ना, और वन का फाइव है ये, थोड़ा बड़ा जाएगा फाइव, अरे ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर फोर छोड़ दिया ना, फोर करना है पहले फाइव में। चलो साइन थर्टी प्लस टैन फोर्टी फाइव, साइन थर्टी प्लस टैन फोर्टी फाइव माइनस कॉसेक सिक्सटी, माइनस कॉसेक सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेक थर्टी, सेक थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी प्लस कॉट फोर्टी फाइव, प्लस कॉट फोर्टी फाइव। आइए देखते हैं इसको ना, कैमरा चल रहा है देखने तो यार सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा वरना, इट्स ऑन एयर। आइए देखते हैं इसको क्या करना है, तो पहले जितने वैल्यूज हमें पता है उतने लगा लो। चलो आ जाओ साइन थर्टी, साइन थर्टी कौन बोलेगा, कौन बोलेगा हाथ खड़ा करो, साइन थर्टी कौन बोलेगा, वन बाई टू, टैन फोर्टी फाइव वन बाई वन, कॉसेक सिक्सटी जो कि होगा हमारा साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। चलो सेक थर्टी, सेक थर्टी किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थर्टी जो होगा ये कॉस थर्टी का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थर्टी होता है रूट थ्री बाई टू, तो सेक थर्टी कितना हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, तो सेक थर्टी लिखते हैं टू बाई रूट थ्री, कॉस सिक्सटी होता है वन बाई टू, कॉट फोर्टी फाइव होता है वन बाई वन। देखो यहां पर इन दोनों को और यहां पर इन दोनों को सॉल्व कर लो, आज सॉल्व कर लेते हैं
कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व कर लो सेपरेटली, 1/2 + 1/1 एलसीएम ले लो 2, तो 1 + 1 2 सा, तो इट मींस 3/2। इन दोनों को सॉल्व किया, लिखते हैं 3/2 - 2/√3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में अगेन सेम यहां पर लिख सकते हो ना, इसको लिख देंगे 2/√3 + 3/2। आगे देखते हैं इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है कुछ काम। एलसीएम ले लेते हैं, हमारा एलसीएम हो गया 2√3, क्या हुआ 2 × √3 ना, तो हो जाएगा 3√3 - √3 × 2, 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी हमारा 2√3 एलसीएम हो जाएगा, √3 × 2, 2 × 2 = 4 + 2 × √3, सो 3√3। देखो इसको इसको काट देने का है, इसको एक स्टेप और लिखना है भाई लोग, क्या हो जाएगा 3√3 - 4 / 3√3 + 4। रेशनलाइज कर दे क्या, मुझे नहीं लगता, हाँ रेशनलाइज चलो कर देते हैं, यही करो, इधर देख लो, रेशनलाइज करना है हमें 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 + 4। रेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई, साइन चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर का, और दो बार लिख देते हैं। अब इसको काट मत देना ऐसे कथों की तरह, वरना कुछ लोग काट देते हैं, बोलते हैं आंसर नहीं आया, काटेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। चलो ये हो गया ए 3√3 - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ऊपर वाले को करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 3 × 27 + 4, 4 = 16 - 4 × 3 = 12, 2 × 24 √3 लगा लेना इसको खुद से, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27 - 4, 4 = 16 कितना हो जाएगा 33 - 24√6/11। देखो दिस इज योर आंसर। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए, और इसको मैं इरेज करता हूं, 3 2 1 स्क्रीन पॉज कर लो यार, मिटाओ मिटाओ। चलो इतने समझदार बच्चे मुझे मिले हैं, पता है समझदारी क्यों बढ़ गया बच्चों का, ये जो बेवकूफ जैसे आप आ रखे थे ना चाइनीज वालों ने लगा रखे थे हमारे मार्केट में, सारा हमारे मोदी जी है ना उन्होंने डिलीट कर दिया। अब आते हैं फिफ्थ में, हमारा क्वेश्चन है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 देन -tan² 45। इसको पूरे को डिवाइड करना है, sin² 30 cos² 30 sin² 30 + cos² 30। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके लिए मैं 3 आइडेंटिटीज लिख देता हूं, हालांकि अभी हमें सिर्फ पहला वाला यूज करना है, लेकिन फिर भी देख लो आइडेंटिटीज। पहला होता है sin² θ + cos² θ = 1। सेकेंड आइडेंटिटी होता है हमारा cosec² θ - cot² θ = 1। थर्ड आइडेंटिटी होता है हमारा sec² θ - tan² θ = 1। पहले वाले का यूज करना है, तो sin² 30 cos² 30 1 हो जाएगा, तो उसको अगले वाले ही स्टेप में हम लोग 1 लिखना शुरू कर देंगे, और फिलहाल के बाकी क्वेश्चंस को देखा जाए। 5 × cos 60 कितना होता है 1/2 / 1/2 whole² 1/4 5 × 1/4 + 4 × sec 30 sec 30 रेसिप्रोकल होता है किसका cos 30 कितना होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 उसका स्क्वायर 2 × 2 = 4 √3 का हो जाएगा 3 - tan 45 1 होता है तो इसको लिख देंगे 1/1 sin² 30 cos² 30 इसको मैं अभी से हटा दे रहा हूं चलो देख लो कितना हो जाएगा 5/4 + 4 = 16/3 - 1/1 इनका अगर आप चाहें तो एलसीएम चाहें क्या लेने की 4 × 3 = 5 × 3 = 15 × 3 = 4
कितना हो जाएगा ये 64, 69, 79। ये गलत हो जाएगा ना, 4 3 12 यहां 12 हो जाएगा ना। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, 50, 64, 69, 79। 79 - 12 / 12 = 77 हो जाएगा, 67 / 12 इज योर आंसर। चलो ये हमारा क्वेश्चन वन इस तरह से खत्म होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर टू, यहां पर हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। देख लेते हैं यहीं पर, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर टू में 2 tan 30। इसको सिंपली सॉल्व करते जाएंगे ना, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan²30। 1 + tan²30, देखो 2 × tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan²30। टैन थर्टी 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। चलो नीचे वाले को सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं अलग सॉल्व कर देता हूं, 3, 1 times 3, सो 3 + 1, 4/3। 4/3 देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाना है 3 × 2 = 6/√3। 2 से कैंसल आउट कर दो, 2 3 = 2, 2 = ये √3 फिर से इसको काट देगा तो हो जाएगा √3/2। हमारा ये ऑप्शन √3/2। अच्छा हमें इसको साइन, हमारे पास ऑप्शन आप देखिए sin 60 cos 60 और बाकी कुछ कुछ, √3/2 जैसे यहां पर मुझे लग रहा है ऑप्शन ए होगा, बिकॉज हमारा sin 60 होता है √3/2, तो इसको मैं लिख दूंगा = sin 60। चल हमारा इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू के टू में, हमें हमारे पास है 1 - tan²45 डिवाइडेड बाई 1 + tan²45। 1 + tan²45 इसको एक्सप्रेस किस पे करना है, टैन साइन 1 या 0 के फॉर्म पे करना है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, टैन 45 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस टैन 45 1 का होल स्क्वायर 1, इट मीन 0/2, इट मीन 0। 0 आंसर में है या हमारा डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप डी लगा लेना। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा sin 2a = 2 sin a। ठीक है, आपको यहां पर a का वैल्यू फाइंड करना है, तो दिमाग लगा लो, sin 2a = 2 sin a। क्या करेंगे इसमें, क्या करना होगा इसमें, देख लीजिए, देखते हैं हमारे पास एक्चुअली इसको ऑप्शन से देखना होगा, 0, 30, 45, 60। चलो पहले अगर हम लोग चाहें तो यूज कर लेते हैं 30 यूज करते हैं a के बदले, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, अगर 30 आ जाता तो बहुत सही है। अगर हम लोग 30 लगाए तो कितना हो जाएगा, ये sin 60 हो जाएगा, sin 60। और ये कितना हो जाएगा, 2 × sin 30। अच्छा sin 30 कितना हो जाता है, sin 30 हो जाता है मेरा 1/2। तो अगर मैं 2 × 1/2 करूं तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन sin 60 क्या हमारा √3/2 होता है, तो नहीं, कुछ और वैल्यूज हमारे पास है, हमारे पास है फिर 45, 60। चलो 0 लगा के देखते हैं, तो अगर यहां 0 लगाए तो कितना हो जाएगा sin 2 × 0, ये कितना हो जाएगा sin 0। साइन 0 मेरा कितना होता है, 0। चलो ठीक है, 2 sin a = 2 sin 0। साइन 0 मेरा कितना होता है, 0, इट मीन 0। 0 = 0, यानी कि इसका आंसर आएगा ए नंबर, ए है ना 0 हमारा, हाँ आंसर इसका क्या है, ए नंबर, दैट इज a = 0 आपको पुट करना होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो हमारा फोर्थ नंबर आता है, खत्म होने वाला है एक्सरसाइज, फोर्थ नंबर है हमारा 2 tan 30
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर 30, 1 माइनस टैन स्क्वायर 30, तो 2 इंटू टैन 30 होता है कितना, 1 बाई रूट 3। 1 माइनस टैन स्क्वायर 30 मतलब 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली कर दो ना इसको 1 बाई 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, इट मीन्स 2 बाई 3। इसको इससे लगा देना है, इसको इससे लगा देना है, कितना हो जाएगा 3 टू 6 बाई 2 रूट 3, कितना हो जाएगा ये 3 टू 6 बाई 2 रूट 3, इसको 3 टाइम्स काट दो 3 बाई रूट 3, ये इसको ऊपर जाके काटेगा इट मीन्स रूट 3। रूट 3 किसका होता है, हमारे पास टैन है, कॉस है, साइन वगैरह वगैरह है, रूट 3 हमारा किसका होता है टैन 60, टैन 60 हमारा ऑप्शन नंबर है सी, दिस इज अवर आंसर। चलो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं मिटा रहा हूं ना, बड़ी मस्तानी है मेरे दिल रुबा आने से उसके आए बाहर जाने से उसके, अगर दिया हुआ है हमारा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3। देखो ये थोड़ा सा हमारा एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, और दूसरे केस में हमारे पास है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्या करना है। देखो रूट 3 हमारे पास पता है tan का कौन सा वैल्यू होता है, तो मैं पहले लिखना चाहूंगा tan a प्लस बी, tan में रूट 3 कितना होता है, tan में रूट 3 का वैल्यू होता है 60। देखो यहां पर tan आ गया तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो लिखो तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60। देखो ये आ गया पहला इक्वेशन। उसी तरह यहां पर 1 बाई रूट 3, tan में 1 बाई रूट 3 किसका होता है, tan में होता है 1 बाई रूट 3 tan 30 का, तो इसको लिख दो इक्वल्स टू tan 30। देखो ये दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हो ना a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये लीनियर इक्वेशन आ गया यहां से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 बना लो और एलिमिनेट कर सकते हो, तो मैं दोनों को साथ में लिखूंगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। a और b आपको निकालना है, ये कट गया, a प्लस a 2a इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू 45। चलो इस बार इक्वेशन में रख दो a का वैल्यू 45, तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री आंसर। चलो क्वेश्चन 3 खत्म होता है, अब आता है हमारा बोनस क्वेश्चन, बोनस नहीं, चलो पहले इसको लिख लो 3 2 1 स्टार्ट। अब हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का वो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल होमवर्क के तौर पे दिया था, तो अगर किसी ने बना लिया तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो मुझे कि आपने बना लिया मेरे से पहले। क्वेश्चन नंबर 10, आज का वीडियो लेक्चर समाप्त बहुत ही जल्द होने वाला है, रुक जाओ पेशेंस रखो। एक ट्रायंगल है पीक्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है पीक्यू आर, पी क्यू आर, इसको यहां पर 90 डिग्री बना दिया ना, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अगर हम लोग पी आर को एक्स मान लेते हैं यहां पर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, 25 माइनस एक्स थे सरदार, बस 25 माइनस एक्स, कालीन भैया तो बता रहे थे गुड्डू को कि और ज्यादा थे। और हमारा दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो 5। चलो पीटी का यूज करना, किसको किसको अब आ गया होगा, मैं लिखता हूं बाय यूजिंग पीटी, पीटी का मतलब वो पीटी वाले सर जो इंग्लिश वाले, मैं कुछ नहीं बोला मैंने। चलो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कर दो, बेस का होल स्क्वायर, सबको पीटी वाले सर याद है ना अपने अपने, एक्स का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर इट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड बेस इज आर 5 का होल स्क्वायर लगा देना है, ये
एक्स का होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5x 25 x square काट देने का है। देखो 50x को इधर ले आओ तो ये हो गया हमारा 50x 625 प्लस 25 हो गया 650 काट देने का है। x इक्वल टू कितना आ गया 5 1 5 5 3। हमें फाइनली क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, अच्छा एक बार ये 13 आ गया ना तो इसको लिख दो 13, ये 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12। अब आ जाओ हमें जो फाइंड करना है उसको देखते हैं, हमें साइन पी कॉस पी टैन पी फाइंड करना है। तो अगर हम लोग देखें साइन पी, अगर हम लोग देखें कॉस पी और अगर हम लोग देखें टैन पी, तो साइन थीटा पंडित है, कॉस थीटा बेटी है और टैन थीटा पंडित की बेटी है। चलो इन तीनों को पुट कर लो, पी बाई एच कितना हो जाएगा, पी बाई एच 12 बाई 13। बी बाई एच कितना हो जाएगा 5 बाई 13 एंड पी बाई बी कितना हो जाएगा 12 बाई 5। ठीक है, ये तीनों आंसर हमारे पास आ जाते हैं। और इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 दोनों खत्म कर लिया और इस तरह से हमारा आज का ये बोरिंग लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको सब कुछ भली भांति समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आप चाहते हो कि किसी क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूं तो मैं बता देना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं एक डाउट लेक्चर लेके आने वाला हूं आपके लिए। उसमें सबसे ज्यादा डाउट वाले क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक वीडियो लेक्चर के एंड में जिस क्वेश्चन को आप मार्क करोगे सबसे ज्यादा डाउट वाले क्वेश्चंस आप चाहते हो मैं उसको और इजी तरह से बताऊं तो आपको मुझे वो क्वेश्चन कमेंट में बताना होगा। और सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के खत्म करने के बाद एक लेक्चर में बनाऊंगा और सारे आपके डाउट्स कवर कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ऑलमोस्ट रात के मुझे लगता है 12:10 हो चुके हैं एंड इट्स माई टाइम टू गो टू स्लीप ना। चलो थैंक यू।